Yes. Good afternoon, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. So, student, today we are going to start a new chapter of MV, that is chapter number 6. Yes, the name of this chapter is Keeping Good Health. Clear? Keeping good health means swasthya banai rakhna. In this chapter, we will discuss about the health. Okay, so let's start the chapter. Yes, children, health is the greatest blessing of God. Yes, जो बच्चों जो हेल्थ है, हेल्थ मीन्स जो हमारा जो स्वास्थ्य है वो भगवान की जो भगवान जो ईश्वर का सबसे बड़ा आशीर्वाद है. Yes, it means greatest blessing means भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है. If you maintain good health, you will be able to live every moment of this beautiful life happily. अगर तुम अगर आप क्या करते हैं अच्छा स्वास्थ्य बनाए रखते हैं, if you maintain करते हैं good health को, you will be able, तुम समर्थ हो जाओगे to live every moment of this beautiful life happily. तो तुम इस beautiful जो आपकी जो life है उसको अच्छे से खुशी से जी सकोगे. Now you must keep the following tips in mind in order to maintain good health. तो अब अगर आपने आपके जो हार्ट को हेल्दी रखना है तो आपको कुछ टिप्स दिए गए हैं, उसको आपको माइंड में रखना है इन ऑर्डर टू मेंटेन गुड हेल्थ. कि किस तरीके से आपको अपनी गुड हेल्थ मतलब अच्छा स्वास्थ्य आप मेंटेन रख सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट. यू शुड गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इफ एंड इफ पॉसिबल गो फॉर अ वॉक. कि तुमको सुबह जल्दी उठना चाहिए, अगर पॉसिबल हो मीन्स संभव हो तो आपको वॉक पे जाना चाहिए. नाउ फ्रेश एयर एंड ब्यूटी ऑफ नेचर मेक्स यू एक्टिव एंड ट्यून्स यू इन अ प्लेजेंट मूड एज वेल. सो जो आप जब अर्ली मॉर्निंग आप वॉक के लिए जाएंगे तो क्या होगी, जो फ्रेश एयर होगी एंड द ब्यूटी ऑफ नेचर जो नेचर की इस प्रकृति की जो सुंदरता है मेक यू एक्टिव तुमको क्या बना देगी, एक्टिव बना देगी. And tunes you in a pleasant mood as well. और तुम्हारा जो क्या हो जाएगा, तुम्हारा जो मूड है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, प्लेजेंट मूड मतलब तुम्हारा जो मूड है वो क्या हो जाएगा, बहुत ही अच्छा हो जाएगा. तुम एक हम बात करते हैं इसकी की, तो जब आप प्रकृति की सुंदरता में अपने आप को सक्रिय बनाती है और आपको एक सुखद मूड में भी धुन देती है. ब्रश योर टीथ प्रॉपरली, आपको जो अपने टीथ है उसको ब्रश करना चाहिए प्रॉपरली. टेक अ बाथ एंड वियर क्लीन क्लोथ्स, और आपको बात लेनी चाहिए एंड आपको हमेशा हमेशा कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए. एंड कॉम्ब योर हेयर, अपने जो हेयर हैं जो बाल हैं उसको कॉम्ब करने चाहिए. ट्रिम योर नेल्स टाइमली, अपने जो नेल्स हैं उनको टाइमली ट्रिम करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज You should always eat the right kind of food. Yes, it is very necessary, student. कि आपको हमेशा सही तरीके के भोजन खाना चाहिए. Make sure that your diet is healthy and balanced. ये make sure होना चाहिए कि आपकी जो diet है, जो आप जो आहार लेते हैं वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए और बैलेंस होना चाहिए. ओके, बैलेंस में संतुलित होना चाहिए. नाउ वॉश फ्रूट्स थ्रोली इन रनिंग वाटर बिफोर यू कंज्यूम देम. कि अगर जब भी आप फ्रूट्स आप कंज्यूम करते हैं, मींस आप जब भी फूड ईट करते हैं खाते हैं, तब आपको उससे पहले बहुत अच्छे रनिंग जो रहते हैं पानी में उसको बहुत अच्छे तरीके से धोना चाहिए. नेवर इंडल्ज इन फास्ट फूड, लेकिन कभी भी जो जो फास्ट फूड का सेवन ना करें. फास्ट फूड में जैसे पिज्जा है, बर्गर है, yes we also use as a मैगी also, okay so this is a fast food. It makes you obese and lazy. ये आपको क्या बना देता है, आपको obese means मोटा बना देता है और आलसी बना देता है. आपने देखा होगा कि जो भी बर्गर है पिज्जा है किसे बनती है, किसे इनका जो टेक्सचर होता है क्या होता है, मैदे से बनता है. तो मैदा जो हमारे स्टमक में जाता है और क्या होता है धीरे धीरे वो जमता है, इसलिए हम हमारे अंदर क्या होता है मोटापा आता है. तो इट मेक यू obese एंड लेजी, और धीरे धीरे आप क्या होते जाते हैं, लेजी होते रहते हैं. Now, chew your food properly and consume it in a pleasant state of mind. कि अपना जो भोजन है उसको properly आपको अच्छे से चबाना चाहिए और consume करना चाहिए in a pleasant state of mind. कि आपका जो mind का जो state है, state of mind उस समय जो आपकी मानसिक जो स्थिति है वो उसका जो mood है वो बिल्कुल अच्छा होना चाहिए. So that it may leave its complete impact on your body. तभी ये आपकी जो बॉडी पर इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा. अब देखिए इधर तो आप फूड खा रहे हैं ना, उधर आप टीवी देख रहे हैं, आप ऐसे फाइटिंग वाली मूवीज देख रहे हैं, फाइटिंग वाले गेम देख रहे हैं, तो वो आपके माइंड पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है, वो बैड इम्पैक्ट डाल रहा है. ओके, तो जब भी आप ईट करेंगे तब आप कोई भी ना मूवीज देखेंगे ना मोबाइल यूज करेंगे. ओनली जस्ट व्हेन यू ईट अ फूड
and after that you have to pray. Before this you have to pray to God, thank you God for everything. And when you consume the food, okay, so your state of mind is very pleasant. Okay, so that it may leave it complete impact on your body. तो तभी तुम्हारी जो body है, हम food किस लिए खाते हैं कि जिससे हमारी जो health maintain रहे, है ना, हम fit रहे, हम healthy रहे. अगर हमारी जो health maintain नहीं होगी, हम fit और healthy नहीं रहेंगे, तो हमारी जो food है, हम वो जो consume करें उसका means रह जाएगा नहीं. अगर आप daily as a fast food, है ना, fast food ही खाएंगे तो एक दिन क्या हो जाएंगे, आप मोटे हो जाएंगे, आपके बहुत सारी diseases हो जाएंगी और साथ ही साथ क्या होगा, आप lazy हो जाएंगे, है ना. सो यू शुड ईट एज अ हेल्दी फूड. क्लियर. नाउ ईट एवरी बाइट विद फुल ग्रेटिट्यूड बिकॉज़ नेचर गोस थ्रू अ लॉन्ग एंड टफ प्रोसेस इन ऑर्डर टू सप्लाई यू अ फुलफिलिंग मील. देखिए, जब भी आप कुछ खाते हैं, ईट एवरी बाइट, जब भी आप प्रत्येक जो आपके बाइट है, जो फूड का प्रत्येक टुकड़ा जो खाते हैं, बाइट खाते हैं विद फुल ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड मीन्स धन्यवाद करना चाहिए, थैंकफुल करना चाहिए. किसको थैंकफुल करना चाहिए? गॉड को. क्यों? क्योंकि नेचर गोज थ्रू अ लॉन्ग एंड टफ प्रोसेस. आपको पता है कि जो फूड आप तक पहुंचा है ना, जो फूड आप तक पहुंचा है, तो उसकी जो प्रोसेसिंग हो रही है वो कितनी टफ प्रोसेस है, कितनी लॉन्ग प्रोसेस से वो गुजरा है. तो उस जो प्रोसेस को देखते हुए आपको बिल्कुल भी फूड को वेस्ट नहीं करना चाहिए और थैंकफुल करना चाहिए गॉड को. नाउ इन ऑर्डर टू सप्लाई यू अ फुलफिल मील, कि आपको इस जो आपको जो फुलफिल जो मील मिल रहा है, ये जो आपको जो संपूर्ण भोजन मिल रहा है, तो उसको प्रदान करने के लिए एक लंबी और कठिन प्रक्रिया से वह गुजरते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट पेज. नाउ ईट ओनली व्हेन यू आर हंग्री, कि आपको तभी भोजन खाना चाहिए जब आप भूखे हो. ये नहीं कि आपका पेट भरा हुआ है, आपके सामने पिज्जा आ गया, बर्गर आ गया, अगर आपका स्टमक फुल है तो भी नहीं 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 मेरे को तो खाना ही है. तो क्या होगा, अगर आप ओवर ईट हो जाएंगे तो आप क्या हो जाएंगे, ओबेसिटी होगी. यस, नेवर ओवर ईट, कभी भी ओवर ईट नहीं होना. हैव यू मील्स इन फ्रेश सराउंडिंग्स, क्या हम बात कर रहे हैं कि आपका जो फूड है कि उसका जो जहां भी रखा हुआ है, चारों तरफ की जो सराउंडिंग्स है जो है वो क्या होनी चाहिए, हमेशा फ्रेश होनी चाहिए. ओके, नाउ नेक्स्ट टिप इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, कि जो वाटर है जो आपको ड्रिंक करना चाहिए, बहुत सारा, एक दिन में बहुत सारा पानी पीना चाहिए आपको. इट वॉशेज अवे ऑल टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी, कि जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो क्या होते हैं, सारे वॉश आउट हो जाते हैं. अबव ऑल बी ब्राइट, चीयरफुल एंड पॉजिटिव, इससे भी आगे, इससे बढ़कर उज्ज्वल, हंसमुख और सकारात्मक बने. देखिए, अब जब हम खुश होते हैं, हैप्पी मूड में होते हैं, जब हम भोजन खाते हैं, जब हम खाना खाते हैं, तो हमारा जो हम जो खाते हैं वो उसका इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे पड़ता है. अगर जिस दिन हमने किसी से लड़ाई करी हुई है, या हम टीवीज देख रहे हैं, उसके अंदर बैड मूवीज आती है, फाइटिंग वाली मूवीज आती है ना, तब अगर हम वो देख के भी हम अपन जो भोजन ग्रहण करते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि वैसा ही इम्पैक्ट हमारी बॉडी को, हमारे माइंड को पड़ता है. इसलिए सभी, आपको पता होगा, आपके पेरेंट्स, आपके ग्रैंड पेरेंट्स यही बोलते हैं कि खाते समय ना आपको बोलना चाहिए, ना बात करनी चाहिए, ना आपको कोई भी चीज ध्यान में रखनी चाहिए. केवल आपके माइंड में सिर्फ थैंकफुल होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, किसके प्रति, गॉड के प्रति. ओके, नाउ डिवोट 10 मिनट्स डेली टू रिप्लेस ऑल नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस, कि आपको क्या करना चाहिए कि आपको रोज आपको डिवोट करना चाहिए, समर्पित करना चाहिए. कितना, कितने मिनट की बात कर रहे हैं, ओनली 10 मिनट्स की बात कर रहे हैं, कि जो 10 मिनट्स हैं डेली आपको समर्पित करने चाहिए. किसके लिए, कि रिप्लेस ऑल नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस, कि हमारे जितने भी नकारात्मक थॉट्स, हमारे जितने भी नकारात्मक विचार है, उसको हमको रिप्लेस करना है किससे, पॉजिटिव वंस से. ठीक है, इट हेल्प्स यू choose the right direction, giving you a healthy outlook towards life, thus contributing towards your complete well-being. तब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि इट हेल्प्स यू चूज द राइट डायरेक्शन, ये तुमको मदद करेगा. क्या मदद करेगा, सही दिशा चुनने में मदद करता है, जिससे आपको जीवन के प्रति एक स्वस्थ दृष्टिकोण मिलता है और इस प्रकार आपकी ओर योगदान देता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. तो हम इस चैप्टर में हम किसकी बात करी, हम इस चैप्टर में ऑल अबाउट द हेल्थ की बात करी. तो सो दिस चैप्टर ऑल्सो गिवन फ्यू टिप्स
Okay, so you have to give us few tips in mind in order to maintain good health. अगर हमारी health good होगी तो हम happy रहेंगे और health is the greatest blessing of God. जो health ही है जो भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद है. If you healthy, so you will be get each and everything what you want in life. Clear, student? Okay, so now it's the time to start question answer of this chapter. So let's start the question of this chapter number 6, keeping good health. Okay, so MCQs are here. Number 1 is here, the World Health Day is celebrated on. देखिए जो World Health Day हम celebrate करते हैं, बहुत सारे दिन आपको पता है अभी celebrate करते हैं, तो अभी अभी हमने कौन क्या celebrate किया था, अभी अभी हमने Friendship Day celebrate किया था, है ना? तो वैसे ही हमारा जो Health Day है, कब celebrate किया जाता है? 7th April. Second question is here, which one of the following is an unhealthy habit? कि unhealthy habit क्या है? देखते हैं. Number 1, sharing food. Second is bathing twice a day. Number 3, eating without washing hand. तो आपको क्या करना है? तो unhealthy habit क्या है कि हम क्या करते हैं? Eating करते हैं बिना hand wash किए. तो ये क्या unhealthy habit है? हमारे hands में जितने भी germs होते हैं, अगर हमने hand wash नहीं किए, तो germs हमारे क्या चले जाते हैं? Stomach में चले जाते हैं और हम क्या हो जाते हैं? Ill हो जाते हैं. तो इसलिए you should wash your hand before eating the meal. Clear? Now, number 3 is here, we should avoid to eat. हमको क्या avoid करना चाहिए? Burger, vegetables या fruits? Yes, we should avoid to eat burgers. हमको burgers को avoid करना चाहिए. Yes, you know that you like the burgers also, but it is not good for your health. ये आपकी health के लिए अच्छे नहीं होते. Question number 4, good health makes the family good health. मतलब जो हमारी जो अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, तो उससे हमारी जो family क्या बनेगी? Happy, sad या angry? Yes, obviously हमारी happy क्या रहेगी? खुश रहेगी. अगर हमारी health अच्छी है, तो हम भी खुश रहेंगे. Next is fill in the blanks. With good health, you are able to live every moment of this beautiful life happily. एक अच्छी स्वास्थ्य के साथ हम अपनी लाइफ को you are able, तुम समर्थ हो सकते हो to live, जी सकते हो every moment of this beautiful life happily. कि हम इस beautiful सुंदर लाइफ का प्रत्येक मोमेंट को खुशी से जी सकते हैं. Question number 2 sentence. Beauty of nature tunes you in a pleasant mood. जो beauty है इस nature, इस प्रकृति की जो सुंदरता है, वो तुमको कौन से धुन में, कौन से ट्यून में ले जाती है? एज ए प्लेजेंट मूड. कि आप जब भी आप नेचर में जाते हैं, व्हेन यू आई थिंक यू नोटिस दैट व्हेन यू rise in the early and you go to a walk and you go to a garden also, you also want to go as a park. So when you close to a nature, you feel very fresh. Now your mind also feels very fresh when you are in the lap of नेचर. जब आप नेचर की गोद में होते हैं, तब आपको कितना सुंदर, कितना अच्छा लगता है. नाउ नंबर 3 इज नेवर इंडल्ज इन फास्ट फूड. कि कभी भी हमको फास्ट फूड में बिल्कुल भी इंडल्ज नहीं होना. इट मेक्स यू ओबेस एंड लेजी. ये तुमको बहुत ही मोटा कर देगा और लेजी कर देगा. नंबर 4, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर. इट वॉशेस अवे ऑल टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी. कि आपको बहुत ज्यादा प्लेंटी ऑफ मीन्स क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में पानी पीना चाहिए. तो हम कहते हैं कि हमको 10 to 15 एटलीस्ट 10 ग्लास ऑफ वाटर तो हमको ड्रिंक करना ही चाहिए. अगर ज्यादा होते हैं तो 13 टू 15 ग्लास ऑफ वाटर हमको वन डे में कंज्यूम करना चाहिए. ओके, इट वॉशेस अवे ऑल टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी. ये हमारी जो बॉडी से है, वो जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, वो क्या कर देते हैं? वॉश कर देते हैं. नंबर 5, स्पेयर 10 मिनट्स डेली टू रिप्लेस ऑल नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस. कि हमको क्या करना चाहिए? कि हमारे जो बात कर रहे हैं, कि हमको जो डेली है स्पेंड करने चाहिए, क्या 10 मिनट्स डिवोट करना चाहिए किसके लिए? यस, जो हमारे जो नेगेटिव ही नेगेटिव थॉट्स है, उसको पॉजिटिव थॉट्स है. अब तुम्हारे, अब हम बात करते हैं फोर्थ स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए. तो आपके नेगेटिव थॉट्स क्या है? कि उसने, मम्मा ने मुझे ये बोल दिया, पापा ने मुझे ये कह दिया, मेरे फ्रेंड्स के साथ मेरी क्या होगी, फाइटिंग हो गई, मेरे ब्रदर के साथ होगी. सो दीज आर द नेगेटिव थॉट्स. ओके, सो यू हैव टू रिप्लेस द नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव वंस. आपको उस नेगेटिव थॉट्स को आपको पॉजिटिव में कैसे चेंज करना है? सो यू वांट टू लर्न दिस ट्रिक. कि आपको कोई बात नहीं, उसने मेरे से फाइटिंग करी, सो दैट्स ऑल. यस, नेक्स्ट डे आप बिल्कुल, आपको वैसे ही सेम होना है. कि अगर आप उस फाइटिंग को लेके बैठी रहे, अगर आप उससे नाराज हो गए, है ना, आप उससे एंग्री हो गए, अगर ये डे बाय डे बढ़ता जाएगा, तो आपके अंदर डेली के डेली आप पूरा टाइम
टाइम जो स्पेंड करेंगे आप अपने फ्रेंड्स के बारे में सोचते रहेंगे कि नहीं उसने मुझे ऐसे बोला, मुझे ऐसे करना चाहिए था, ऐसे नहीं। आपको क्या करना, जितने भी आपके जो नेगेटिव थॉट्स है, ठीक है आपने फाइटिंग करी तो क्या हुआ, फाइटिंग हो गई, तो नेक्स्ट डे हम अच्छे से अपने वापस से फ्रेंड्स भी बन सकते हैं ना। तो जैसे ही नेगेटिव थॉट्स डे बाय डे इंक्रीज होते जाएंगे, वैसे भी आपके पॉजिटिव थॉट्स क्या हो जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे। तो यू शुड रिमेम्बर दैट यू हैव to remove all the negative thoughts. Okay, student? So, this is a very good chapter. So, it's give you also tips to you have to replace the negative thought with positive one. Okay, number C is right, true or false. Okay, number one, health is wealth. क्या हमारी जो हेल्थ है वही वेल्थ है? यस इट इज ट्रू कि हमारा जो स्वास्थ्य है वही तो हमारी संपत्ति है। अगर हम इल होएंगे या कुछ भी हमको हो जाता है, आपको देखें ड्यूरिंग द कोरोना सो मैनी पीपल एज इंजर्ड, आपको पता है कि कितने लोगों को कोरोना हो गया और कितने इम्यून पावर हमारी इंप्रूव नहीं है, और जिसकी वजह से धीरे धीरे क्या होती है हमारी जो हेल्थ इम्प्रूव जो हमारी इम्यून पावर है वो क्या होती जा रही है, डाउन होती जा रही है। हम हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं, है ना। तो आपको वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, पल्सेस है, वो डेली बेसिस पे लेनी चाहिए, जिसके आपका जो इम्यून सिस्टम है वो क्या हो, बूस्ट अप हो, जिससे आपको जो भी डिजीज है, कोई भी डिजीज होगी वो आपको बिल्कुल भी नहीं होगी, है ना। तो इसलिए दिस इज वेरी वेल सेड, हेल्थ इज वेल। Now, number second, you should not have the surrounding of your house clean. Okay, you should not have surrounding of your house clean. Yes, it is false. कि हमको हमारे घर की जो surrounding है, चारों तरफ का जो area, उसको हमेशा clean रखना चाहिए. Okay. Number third, you should eat in a clean place. Yes, you should eat in a clean place. आपको बिल्कुल साफ सुथरी जगह पर ही आपको भोजन या कोई भी आप जो कुछ grind कर सकते हैं, वो grind करना चाहिए. Number fourth, you should not drink plenty of water. कि आपको बहुत सारा पानी नहीं पीना चाहिए. Yes. It is false. You should drink plenty of water. Okay, so you have to write his here as a false. You should drink plenty of water. Number fifth, you should give good and sound sleep and rest to your body. कि आपको क्या करना चाहिए, कि आपको give good and sound sleep लेनी चाहिए, rest करना चाहिए अपनी body को. Yes, आपको क्या करना चाहिए, rest करना चाहिए, आपको good sound. अगर हम sleep sound अपने जो sound sleep लेंगे तभी तो हम next day अच्छे से classes attend कर सकेंगे, है ना। अगर आपने रात लेट नाइट आप देर से सोएंगे, आप रेस्ट नहीं देंगे बॉडी को, तो अगले नेक्स्ट डे क्या हो जाएगा, आपका जो भी वर्किंग जो प्रोसेस होती है पूरा डे होल डे जो रहता है वो आपका लेजीनेस में जाता है ना। सो इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी टू गिव गुड एंड साउंड स्लीप एंड रेस्ट टू योर बॉडी। सो स्टूडेंट्स, सो फन इज हियर, यू हैव टू राइट हियर एज अ फॉल्स। ओके स्टूडेंट, यू शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, इट इज ट्रू। सो बट द question is sentence is you should not drink plenty of water, you have to write false here. Okay student. Okay, so this is all about the chapter of keeping good health. Okay student.